हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोंद के तीर के बारे में। जी हाँ, गोंद का तीरा एक ऐसा हर्ब होता है दोस्तों जो आपके लिए गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और गर्मी में होने वाले जितने भी सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो हीट स्ट्रोक से लेके हेडेक हो, डिहाइड्रेशन हो, डायरिया के सिम्टम्स आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं, और इसी के साथ साथ कई बार वीकनेस और लथार्जी के साथ साथ बीपी लो हो जाने के सिम्टम्स भी बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से रिस्टोर होने के लिए आज के टॉपिक का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लेके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गोंद का तीरा और गोंद में डिफरेंस क्या है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम नॉर्मली अगर गोंद का नाम लेते हैं तो हमें याद आता है कि वो गोंद जो हम सर्दियों में लड्डू बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, वो थोड़ा सा उसको तेल में फ्राई करने के बाद उसको अपने लड्डुओं में मिक्स कर लिया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है दोस्तों। इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे और जानेंगे कि उस एकेसिया अरेबिका के क्या फ़ायदे हैं। लेकिन आज हम यहाँ बात कर रहे हैं एस्ट्रागैलस कमीफर के बारे में, जो कि हमारा गोंद का तीरा कहलाता है। जी हाँ, तो दोस्तों आगे बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, और इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कि इस्तेमाल कितना प्रिकॉशियसली होना चाहिए। जी हाँ, तो सबसे पहली चीज़ जिसमें गोंद का तीरा आपके लिए बेनिफिशियल है दोस्तों, वो आपका गट। जी हाँ, गट में होने वाली सारी ही परेशानियाँ जो कि आजकल आप गर्मियों में देखते हैं कि फॉर्मिकेशंस की वजह से और मल्टीपल्स ऑफ डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स की वजह से लोगों को कई बार फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स से होकर गुजरना पड़ता है, या वॉमिटिंग डायरिया वाले सिम्टम्स के अलावा इसके एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ आपके गट में होने वाली इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को भी कवरअप करने में, और इसी के साथ साथ आपकी कब्जियत को दूर करने में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जी हाँ, यहाँ हम बात करें कि डिस्पेप्सिया में इसका कैसा रोल होता है, तो ये आपकी बॉडी में चल रहे म्यूकोजल डिस्टर्बेंसेस के साथ साथ बिलियरी फंक्शंस को रिस्टोर करने में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये आपके सारे ही इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स को, और कई बार लोगों को इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्टूल के साथ साथ पेट में एक भराव फील होता है जिससे उनको भूख कम हो जाती है। जी हाँ, गर्मी में अगर ऐसा सिम्टम आपको है तो गोंद का तीरा इस्तेमाल करने से वो भी आपको रिस्टोर होता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। आप रेगुलरली इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं दोस्तों। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इसी के साथ साथ आपको पानी की प्यास भी बढ़ाने की कोशिश करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा अगर ना हो तो क्या होगा दोस्तों, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी हाँ, अगर आप इस तरह के सिम्टम से भी होकर गुजर रहे हैं और आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही एक्स्ट्रा वाटर, तो आपको गोंद का तीरा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गोंद का तीरा में फाइबर्स के कंटेंट के साथ साथ वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। जी हाँ, अगर आप इसको पानी में भिगोते हैं, इसके 3 से 4 गम को आप अगर पानी में भिगो देते हैं तो ये भर के एक बॉल में आपको दिखाई नज़र आने लगेगा। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छा वाटर रिटेन करके रखने में आपके लिए सक्षम है। तो लंबे समय तक आपकी बॉडी के अंदर एक हाइड्रेशन का अमाउंट जो रिटेन करके सस्टेन रिलीज दे पाए, वो गोंद का तीरा है दोस्तों। तो गर्मियों में इसको सबसे ऊपर रख लेना बहुत अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी तासीर भी एज ए कूलर बहुत ज़्यादा अच्छी पाई जाती है दोस्तों। ये आपके लिए एक कूलेंट का काम करता है, और साथ ही साथ आपको हीट स्ट्रोक से बचाने में और बॉडी पे चल रहे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस के साथ साथ स्किन के सारे ही डिसऑर्डर्स में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। या आपको कई बार अगर डिहाइड्रेशन के साथ साथ पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, या पिंपल्स के सिम्टम भी कई बार लोगों में देखने को मिलते हैं, तो उन सभी चीज़ों को रिस्टोर करने में भी, और इसके एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी में चल रहे सारे हार्मोनल इम्बेलेंसेज को रिस्टोर कर लेने में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो फीमेल्स में कई बार डिसमिनोरिया के केसेस में, या फिर इसी के साथ साथ मीनोरेजिया के सिम्टम्स जहाँ पे भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और इसी के साथ साथ इसका कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंटेंट सारे ही दर्दों को रिकवर कर लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, और इसी के साथ साथ ये आपके शरीर में रक्त को बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव भी हो जाएगा, और साथ ही साथ सारे ही डिसेबिलिटीज़ को रिस्टोर करने में ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। गर्मियों में एक और सिम्टम बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, मैं कई बार अपने पेशेंट्स में देखता हूँ कि एपिस्टैक्सिस यानी कि नोज ब्लीड के सिम्टम्स बहुत कॉमन हो जाते हैं, और ये कई बार उनको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर देते हैं, क्योंकि आते जाते कहीं भी उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। जी हाँ, और इसी की वजह से उनको सर दर्द, चक्कर आने के सिम्टम्स बहुत कॉमन हो जाते हैं, और ये अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी हो जाता है दोस्तों तो कई बार हॉस्पिटलाइज होने की सिचुएशन भी आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए भी आप गोंद का तीरा इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर
अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ तो है ही, इसके अंदर एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई होने से बचाते हैं और इसी के साथ साथ आपकी ब्लड वेसल्स को वैसो डायलिटेशन से बचाने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं। जी हाँ, गर्मियों में मैंने एक वीडियो और बनाई है हीट्स के ऊपर, तो आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं कि कैसे गर्मी आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करके आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। जी हाँ, तो यहाँ हम उन्हीं सब चीज़ों के हिसाब से बात करें तो गोंद का तीरा आपके लिए वरदान है, या आप इस्तेमाल करके रेगुलर तौर पे अपने शरीर को ठंडा भी रख सकते हैं और इसी के साथ साथ आपकी ब्लड वेसल्स में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जी हाँ, कई बार गर्मियों में बच्चों के अंदर देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म हो जाने की वजह से उनको कोल्ड एंड फ्लू के सिम्टम्स बहुत कॉमन हो जाते हैं। जी हाँ, खांसी के सिम्टम्स, शरीर में बहुत ज़्यादा एकदम हीट के इम्पैक्ट्स भी देखे जा सकते हैं उन पर, और हाइपोथैलेमस पे जो चोट लगती है उससे हीट स्ट्रोक का जो सिम्टम है उसमें भी गोंद का तीरा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। जी हाँ, इस दौरान बच्चों में देखा जाता है कई बार कि इरिटेशन की वजह से उनको कफ बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट होने लगते हैं और उसी के साथ साथ उनको वॉमिटिंग के सिम्टम्स भी बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा होने से कई बार बच्चों में डर होता है भूख ना लगने का। जी हाँ, फेरिंजाइटिस एक सिम्टम होता है जिससे अंदर अंदर बच्चों को फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, तो ये फुलनेस की फीलिंग कंट्रोल करने में भी गोंद का तीरा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये बॉडी में इस तरह से सिम्टम्स को इम्प्रूव करता है कि ये इम्यूनिटी पे भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। दोस्तों, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी बिहेवियर्स, सारे के सारे इसके इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट, और यहाँ हम एल्केलॉइड के बारे में बात करें तो ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस को ख़त्म करके इम्यूनिटी इम्प्रूव कर देगा। दोस्तों, वीडियो में बात करें फीमेल्स के लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये लैक्टेशनल फीमेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जी हाँ, ये दूध के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और इसी के साथ साथ पोस्टपार्टम के जो सिम्टम्स होते हैं फीमेल्स में उनको इम्प्रूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ ये मेनोरेजिया के सिम्टम्स में होने वाली हैवी ब्लीडिंग के साथ साथ ल्यूकोरियल डिस्चार्जेस को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। यहाँ हम बात करें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, तो जिन लोगों को रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं उन लोगों को भी गोंद का तीरा काफ़ी ईजिली इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत अच्छा और एस्टोनिशिंग इफेक्ट देता है इन सभी चीज़ों में दोस्तों, तो इसी की वजह से उनको अपनी हेल्थ में काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी देखने को मिलेगा, और गर्मियों में कूलर के तौर पर तो ये बहुत ईजिली काम करता ही है। सारे ही गर्मी के इफेक्ट्स को शांत रख के आपकी बॉडी अगर हेल्दी हो जाती है तो इसका बेनिफिट क्यों ना लिया जाए। दोस्तों, इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो गोंद का तीरा को आप किसी भी शरबत के साथ मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के साथ साथ आप इसको डिटॉक्स वाटर में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी हाँ, चिया सीड्स के साथ इसको इस्तेमाल करने में आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और आप इसको रेगुलर तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी के अलावा आप इसको दूध में मिला के या फिर दही के साथ मिला के भी इस्तेमाल कीजिए। आपके गट के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही, इसी के अलावा आपके वेट मैनेजमेंट में, आपके शरीर के साथ साथ आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपकी मेमोरी मेकिंग में भी ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। दोस्तों बात करें कि कौन लोग इस गोंद के तीरे को इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते, वो कब्जियत वाले लोग, और इसी के साथ साथ उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा गट इनसेंसिटिविटी रहती है और इसी के साथ साथ उनको डिस्पेप्सिया के सिम्टम भी ज़्यादा होते हों, तो इसके हाई फाइबर कंटेंट की वजह से और हाई एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ये कई बार डिस्पेप्सिया ज़्यादा क्रिएट कर सकता है और फाइबर्स की वजह से ये कब्जियत को और ज़्यादा परसिस्टेंट भी कर सकता है। दोस्तों, तो बड़ा सोच समझ के और थोड़े मात्रा में ही अपने डॉक्टर से या फिर अपने डाइटिशियन से डिस्कस करके ही इस्तेमाल कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा, इसी के साथ साथ ये आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल होने ही वाला है। तो इन्हीं सारे बेनिफिट्स के साथ साथ दोस्तों, गोंद का तीरा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है और इसी के साथ साथ ये एक तरह का वरदान ही समझिए कि गर्मियों में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें दोस्तों, धन्यवाद।